वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स के मेमोरी बेस्ट मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। IBPS क्लर्क मेन के लिए ये मेमोरी बेस्ट जो लास्ट ईयर्स के हैं 2019 के हैं काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। डिफरेंट चैप्टर्स के ये क्वेश्चन जब एक साथ आते हैं तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहते हैं। मेन एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, इसका अपना एक स्टैंडर्ड होगा, बहुत टफ नहीं है लेकिन क्लियर कॉन्सेप्ट चाहता है। आइए आपको पूरा मज़ा आएगा, इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि अब मैं YouTube चैनल पर, अपने ऐप पर और वेबसाइट पर, यहीं पर कंसंट्रेट कर रहा हूं और यहीं से आपको मदद करूंगा, दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं। YouTube पर मैं 27 फरवरी से SBI क्लर्क प्री कम मेन, इसके लिए शाम 7 बजे से फ्री क्लास होगा, रेगुलर होगा, डिफरेंट टॉपिक्स पर होगा और आसानी से आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं 27 फरवरी से शाम 7 बजे, ठीक है। और वेबसाइट पर, ऐप पर SBI PO प्री प्लस मेन क्लर्क प्लस PO, मतलब एक कंबाइंड कोर्स है जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे, उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है। ये 1 मार्च से शुरू होना है, ये पेड है जो कि मैं और कहीं नहीं ले रहा, तो अब अपने ऐप और वेबसाइट पर ही इस तरह के कोर्सेस लूँगा। ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया गया है जिसमें 100+ DI और 50+ Caselets, जिसमें चैप्टर बेस्ड Caselets और DI भी शामिल हैं, इनको कराया जाना है। एक अच्छा कोर्स है, जो लोग भी पेड कोर्सेस करते आ रहे हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले पहला जो सवाल है, देखिए ये मिक्सचर का है जिसमें एलिगेशन का इस्तेमाल भी होता है, करेंगे या नहीं ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्योंकि एलिगेशन में एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन होना चाहिए और सुटेबल भी होना चाहिए, अदरवाइज मिक्सचर का अप्रोच होता है। फ्रॉम कंटेनर ए कंटेनिंग 54 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 8:1। आगे बढ़ने के पहले एक बात तो समझ में आ जा रही है, मिक्सचर है, मिल्क वाटर का है, 54 लीटर है, रेशियो भी दिया है, तो हमें ठीक ठीक पता है कि मिल्क कितना है, वाटर कितना है। 18 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड पोर्ड इनटू कंटेनर बी इन विच रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 3:1। तो उसमें पहले से क्या है, इससे क्या मतलब, उससे जितना निकाला गया उससे मतलब, निकाला गया उसमें भी रेशियो तो वही रहेगा, यानी 18 लीटर में मिल्क कितना है, वाटर कितना है हमें मालूम है, इसको हम कंटेनर बी में डालते हैं जिसमें कि मिल्क वाटर का ही मिक्सचर है, और वहां पर जो मिक्सचर है वो 3:1 है। तो ये मिक्सचर का सवाल हुआ कि नहीं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द मिल्क एंड वाटर, टोटल मिल्क एंड टोटल वाटर इन कंटेनर बी, 54 लीटर का कोई यूज ही नहीं है, is 30 liters, then find the quantity of initial mixture in the container B. देखिए container B जो है उसमें 3:1 है milk and water, यानी 3 milk 1 water, तो 4 माने क्या, 3x milk 1x water, तो 4x माने क्या, यही पूछा है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो container A है इसमें 54 लीटर है, पर इसका यूज नहीं है, इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 8:1 का है। तो टोटल कितना हुआ, टोटल मतलब जो हम लेना चाहते हैं, टोटल यदि हम 18 लीटर लें, क्योंकि हम तो 18 लीटर निकाल रहे हैं, 54 लीटर तो निकाल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ
कि उसमें वाटर कितना है और मिल्क कितना है जो कि कंटेनर बी में गया, बताइए। यानी 16 लीटर मिल्क है और 2 लीटर वाटर है। तो कंटेनर बी में क्या होता है? मान लेते हैं कि मिल्क जो है और वाटर जो है वो 3x है और 1x है, तो 4x इज इक्वल टू व्हाट? यही तो पूछा है ना। कंडीशन ये है कि इसमें जब हम डालते हैं 18 लीटर, जिसमें कि मिल्क 16 लीटर है और वाटर 2 लीटर है, तो इनका जो डिफरेंस आता है वो 30 लीटर्स का आता है। 2x इज इक्वल टू 14, उधर जाके लेस हुआ तो 16, यानी कि x इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 × 8 इज इक्वल टू 32 लीटर आंसर। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के साथ बहुत जल्दी बना सकते हैं कि नहीं मेन एग्जाम का क्वेश्चन को भी, बताइए, देखिए, ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, सेकंड क्वेश्चन। इन ए मैच ऑफ 50 ओवर्स टीम ए'ज एवरेज रन्स फॉर द फर्स्ट 30 ओवर्स वाज 4.5। बड़ा शानदार सवाल है, अप्रोच ही अलग होगा, बताता हूं। वाइल फॉर द रिमेनिंग 20 ओवर्स द एवरेज वाज 5.5 रन्स पर ओवर। टीम बी चेज द टारगेट एंड लास्ट बाय 10 रन्स। फाइंड द एवरेज रन्स पर ओवर स्कोर्ड बाय टीम बी। टीम बी प्लेड ऑल द 50 ओवर्स। देखिए, मैं स्मार्ट अप्रोच से ही बताऊंगा जिससे आपको एग्जाम में बनाना है, पेन पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा भी है। 50 ओवर्स में 30 ओवर्स एंड 20 ओवर्स है, जरा गौर कीजिए, थोड़ा सा लिख देता हूं समझने के लिए। ये जो है पहले 30 ओवर्स है फिर 20 ओवर्स है। क्यों लें हम 5 = 3:2 क्यों ना लें? कुछ इस तरह का बनाएंगे, देखिए, हाँ, मतलब कुछ ऐसा, फर्स्ट 4.5 है और दूसरा 5.5 है, तो थोड़ा गौर कीजिए। 3 जो मैचेज है और 2 जो मैचेज है, अब देखिए हम ये एवरेज मान लेते हैं, अब आप गौर कीजिए, पहले का एवरेज है 4.5 रन्स, इसका है 5.5, तो हम 4.5 ही ले लेते हैं। 4.5 तो निकलेगा कितना? 1 ज्यादा है ना, तो 1 × 2 इज इक्वल टू 2 निकला, और 2 को 5 में बांट देंगे तो 4.5 माइनस 2/5, बताइए, हाँ, प्लस, हाँ, होगा कि नहीं, सबों को बराबर बांटे, यानी कि 4.5 प्लस 0.4 यानी कि 4.9, यही रेट रहा। और जहां तक बी का सवाल है, ये एक ही बात है, और बी का जहां तक सवाल है टीम बी, तो टीम बी ने पूरे 50 ओवर्स खेलते हुए 10 रन्स कम बनाए, यानी 0.2 उसका कम रहा, तो बी का जो एवरेज रहा 4.9 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 4.7 रन्स पर ओवर रहा कि नहीं? एवरेज का डेफिनेशन, इफ ऑल द आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली हाउ मच ईच विल गेट। हमने 3 matches and 2 matches मान लिया, 3 matches में जो एवरेज है 4.5 का है, 2 matches में 5.5 है, हमने 4.5 लेके 1, 1, 2 ले लिया और 2 को 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 0.4 पड़ा,
यानी कि 4.9, इससे बनाया ए, ये ए का है, ए का एवरेज है, और बी का चूंकि 10 रन से बी टीम हारी है तो 50 में यानी 0.2 उसका लेस रहा, यानी कि 4.7। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार देखिए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, थर्ड नंबर देखिए। इन ए बैग विच कंटेन्स 40 बॉल्स, देयर आर 18 रेड बॉल्स एंड सम ग्रीन एंड ब्लू बॉल्स। इफ आगे है तो थोड़ा रुकिए ना, ऐसा करते हैं, टोटल ये इंफॉर्मेशन लिखा रहेगा तो आपको सुविधा होगी। उसमें रेड है और उसके बाद ग्रीन और ब्लू है। तो यहां ये दिया है कि टोटल 40 है, जिसमें ये जो है वो 18 है रेड, और ये दोनों का मिला करके बाकी 22 हुआ, ये इंफॉर्मेशन है। इफ टू बॉल्स आर पिक्ड अप फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, एक निकाला फिर दूसरा निकाला, बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, और इसलिए भी क्योंकि दूसरा वापस नहीं करते तो दोनों अलग अलग है, प्रभावित नहीं होता। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल बीइंग रेड, तो भाई 18 में से कोई एक होना चाहिए और ये 40 में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन एक बॉल जब हो गया, रिप्लेसमेंट नहीं किया तो क्या हुआ, 40, पर चूंकि एक बॉल आ गया तो अब तो 39 ही बचा ना, रिप्लेस तो किया नहीं, एक निकाला फिर दूसरा निकाला, ठीक है, तो 39 में से कोई एक आएगा और ये पता नहीं, मान लीजिए कि एक्स है, तो यही ना होगा, बोलिए दूसरा वाला जो है सेकंड बॉल बीइंग ग्रीन, तो अगर हम इसको एक्स मान लें ये ग्रीन का है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/26 है, जल्दी बताइए। तो देखिए 13 से 2 टाइम्स 13 से 3 टाइम्स है ना, 3 × 3 9 × 2 टाइम्स, ठीक है, और ये 2 × 2 4 से 10 टाइम्स, तो एक्स इज इक्वल टू 10 आंसर, बताइए, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, ये टाइम एंड वर्क है, एफिशिएंसी है। ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, ओके दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड 7/12th वर्क इज लेफ्ट आफ्टर 8 डेज, फाइंड इन व्हाट टाइम बी अलोन विल कंप्लीट द होल वर्क। ओनली क्लियरिटी ऑफ कंसेप्ट चाहिए। देखिए ये ए है ये बी है, ए 50% मोर इफिशियंट है, ये 100% तो 150%, यानी ये 2 तो ये 3, ये इफिशियंसी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये 3 यूनिट्स पर डे कर सकता है और ये 2 यूनिट्स पर डे कर सकता है, मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है कि 8 डेज में, देखिए 8 डेज में वो कितना वॉक करते हैं, तो मुझे बताइए दोनों मिलके ए प्लस बी जो है 8 डेज में 3 + 2 यूनिट्स इंटू 8 करेंगे, पर ये वर्क पूरा नहीं है, वो 7/12 बाकी रह जाता है, ओनली 5/12 ही होता है, तो होल वर्क क्या होगा, 12/5, यानी ए एंड बी जो है, ए एंड बी ऐसा करते हैं, जहां तक ए एंड बी का सवाल है, ए एंड बी की बात अगर हम करते हैं तो ए एंड बी तो सिर्फ 5/12 वर्क करते हैं, और इतना वर्क को करने में उनको 8 डेज लगते हैं, और 8 डेज में वो 8 × 3 + 2 यूनिट्स करते हैं, इतना ही कर पाते हैं यानी 40 यूनिट्स, पर वो पूरा काम तो है नहीं, ये 5 और ये 5 कैंसिल, बोलिए रहने देते हैं, टोटल वर्क इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, इतना ही रहने देते हैं, 8 × 12 यूनिट्स, क्यों,
क्योंकि हमें फैक्टराइज फॉर्म में रहने से सॉल्व करने में सुविधा होगी। पूछा है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए इसका फायदा 8 × 12 यूनिट्स है ना, और बी का रेट क्या है 2 यूनिट्स पर डे, यानी कि 48 डेज होगा कि नहीं बताइए, ठीक है ना। आइए इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। देयर इज ए स्क्वायर फील्ड ऑफ एरिया एक्स स्क्वायर मीटर, मतलब जैसे होता है ना 20 स्क्वायर मीटर, तो रिजल्ट है एक्स स्क्वायर मीटर्स। ए सिलेंड्रिकल डिच ऑफ रेडियस 7 मीटर्स एंड डेप्थ 2 मीटर्स इज डग, मतलब एक समझ लीजिए ऐसा है कि दिखाता हूं, ऐसा इसलिए बना रहा हूं स्क्वायर को थोड़ा टेढ़े टेढ़ा देख रहा हूं, ठीक है। देखने का जो रीजन है वो यही है कि आपको समझाया जा सके। बताता हूं, स्क्वायर है लेकिन यहां से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और इसके बीच में एक सर्कुलर, देखिए सर्कुलर ये खोदा जाता है, ठीक है, सर्कुलर ये खोदा जाता है, देखिए और समझ लीजिए कैसे इसको गड्ढा खोदा जाता है। तो इससे मिट्टी निकलेगी, एंड अर्थ इज टेकन आउट एंड स्प्रेड ओवर दिस एरिया, तो ये हाइट बढ़ेगा ना, तो कुछ ऐसा लेते हैं, ठीक देखिए समझ लीजिए कि ये हाइट ऐसे बढ़ा, तो ऐसे 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 कुछ बढ़ा, ठीक है ऐसे बढ़ा, तो यहां पर बिछा दिया गया, यहां ऐसे बिछा दिया गया, तो कितना ऊंचा हुआ देखिए। Then the height of the square field goes up by ये वाला जो है ना ये 0.77 मीटर स्क्वायर मीटर, इससे ये ऊपर हुआ हाइट। तो कहने का मतलब मिट्टी का जो वॉल्यूम है वो ये एरिया पर जो मिट्टी बिछाई गई, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट का मतलब इस स्क्वायर में से ये सर्कल हटा देंगे तो ये सेक्शन बचेगा इंटू हाइट। देखिए पहले मैं बताता हूँ मिट्टी कितनी निकली, अच्छा उसके पहले बताऊँ कि ये क्या दिया हुआ है, इसका जो रेडियस है ये 2 मीटर है डेप्थ, और जो रेडियस है वो 7 मीटर है। तो आप जरा गौर कीजिए, ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच 2 मीटर, ठीक है पाई आर स्क्वायर एच, और इसी मिट्टी को बिछाया गया तो पूरा एरिया जो एक्स है, ठीक है पूरा में से पाई देखिए पाई आर स्क्वायर यानी 7 × 7 इंटू एच, हाँ पाई आर स्क्वायर हुआ ना, इधर देखिए हाँ इसका जो एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर, और ये बेस एरिया इंटू हाइट जितना कि वो ऊंचा हुआ, क्लियर यही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, तो हाइट जो है वो तो दिया हुआ है, हाइट तो दिया हुआ है,
हाइट कितना दिया हुआ है 0.77 मीटर, इतना ऊपर हुआ। तो आपको एक्स निकालना है। आप जरा गौर कीजिए, यदि हम इससे ऐसा करते हैं, यदि हम इसे हटा दें तो ये 100 होगा। और अब आपको आसानी से सुविधा होगी, देखिए 77 है, 11 से 2 टाइम्स और एक 7 कैंसल, ये भी 7 कैंसल, 400। जल्दी बताइए, तो x इज इक्वल टू 400 प्लस 154 इज इक्वल टू 554 बोलिए x। और ये हमें किस में निकालना है, मीटर स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है। बोले एप्लीकेशन है कि नहीं, मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट।